स्टूडेंट्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी रेनॉन म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर जितेंद्र शाह। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हिम। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले बताइए आपका बर्थ प्लेस कौन सा है? मेरा बर्थ प्लेस श्री अमृतसर। और मेरी स्कूलिंग सारी चंडीगढ़ से, और मैं फिर मुझे कुछ 15-16 सालों के बॉम्बे शिफ्ट हुए। तो फिर मुंबई में रहने के बाद आप अपने बर्थ प्लेस को, पंजाब को कितना मिस करते हैं? पंजाब को मिस करते हैं, पंजाब आते रहते हैं, महीने में एक दो चक्कर लगते रहते हैं, और पंजाबी की लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हैं बॉम्बे रह के, तो सब अच्छा चल रहा है। सर, आप जैसे आपने बताया आप काफ़ी मतलब मूवीज़ के लिए आप म्यूज़िक दे चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में अराउंड, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए व्यूअर्स के साथ। जी, पंजाबी काफ़ी फिल्में मेरे साईं जी की कृपा से मैं संगीत उसमें दे चुका हूँ, और मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से। और अभी एज अ प्रोड्यूसर, ये हमारे प्रोडक्शन हाउस यानी कि शानशाह पिक्चर्स की ये दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म ननकाना श्री गुरदास मान साहब बाबा जी के साथ, और दूसरी फिल्म ये बैंड बाजे। और मैं और मेरी पार्टनर पूजा, हमने ये प्रोड्यूस की है ए एन ए एडवाइजर्स के साथ मिलकर, और मनीष सानी जैसे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरा इसमें म्यूज़िक भी है, और एक अच्छी वाइब बनी हुई है। बीइंग एज प्रोड्यूसर कैसा एक्सपीरियंस रहा, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इस मूवी की, बिन्नो ढिल्लो जी, मैंडी थक्कर जी, और ये कॉमेडी मूवी है, तो आपको कैसा लगा इस मूवी को प्रोड्यूस करते टाइम कि कितनी लोगों को ये मूवी हंसाएगी? जी जी, ये बहुत ही फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, और हंसी से भरपूर, और हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और स्टार कास्ट सब, बीनू पाजी, भल्ला साहब, मैंडी ठक्कर जी, और समीप कंग जी की बहुत अच्छी डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है, गुरप्रीत कोकी जी, और बाकी सब, रुपिंदर रूपी मैम, सीमा कौशल जी, सब ने बहुत अच्छा अपना काम किया, तो उम्मीद है कि सबको, दर्शकों को पसंद आएगी। सर, आप जैसे प्रोड्यूसर हैं तो म्यूज़िक भी आपका है इस मूवी में? जी जी, म्यूज़िक मेरा पहला काम है। okay, हाँ, प्रोड्यूसर तो बने। कैसा म्यूजिक है इस मूवी का, कितना पसंद आएगा लोगों को, क्योंकि इसमें जैसे मैंडी थक्कर जी ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है। जी, म्यूज़िक लोगों ने ऑलरेडी बहुत पसंद कर रहे हैं, और हमारे 3 गाने आ चुके हैं, कल रिलीज़ के दिन एक गाना और आएगा, चौथा, फिर नेक्स्ट वीक एक गाना और आएगा। हर तरह के गाने हैं, रोमांटिक है, रोमांटिक बीट है, भंगड़ा है, और अच्छे गाने हैं। ना जी, फिल्म के मुताबिक संगीत करने की कोशिश की है। जी, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में क्या आप अभी म्यूज़िक दे चुके हैं? बॉलीवुड में मैंने कुछ 2-3 फिल्में की हैं, और मैं सोलो म्यूज़िक करने में ज़्यादा रुचि रखता हूं कि फिल्म मैं सोलो करूं, तो कुछ आने वाली फिल्में हैं जिनमें काम चल रहा है हिंदी में भी, तो जल्दी हम बताएंगे उसके बारे में। कह सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ आपका दिल से एक गहरा रिश्ता? जी, नेचुरली हम पंजाबी हैं, तो हम बहुत लकी हैं कि हमें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट टाइम में काम करने का मौका मिल रहा है, और बहुत लोग प्यार करते हैं। हाँ जी, और मेरे साईं जी की बहुत कृपा है। जैसे आपने बताया मूवी ये जो कल रिलीज होने जा रही है बैंड बाजे, बहुत फुली एंटरटेनमेंट मूवी है, लोगों को बहुत हंसाएगी थिएटर्स में, तो आने वाले टाइम पे भी क्या आप इस टाइप की मूवी और प्रोड्यूस करना चाहेंगे जो लोगों को खूब हंसाए? जी 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 जी, फिल्में आगे बना रहे हैं, आगे हमारी 2 फिल्मों का और ऑलरेडी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, एक गिपी गरेवाल जी के साथ, और एक की अभी स्टारकास्ट फाइनल होनी है, 2 फिल्मों पे हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। सर, बॉलीवुड में जो म्यूज़िक देखते हैं हम, जो सुनते हैं आजकल के टाइम पे, और जो इधर का म्यूज़िक हम सुनते हैं, पंजाबी मूवीज़ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, हर कोई कहीं भी हो तो पंजाबी बीट को अप्रिशिएट किया जाता है, तो आपको लगता है कहीं क्या डिफरेंस है इन दोनों म्यूज़िक के बीच में, या कितना गैप आप फील करते हैं? देखिए, आज की डेट में वर्ल्ड म्यूज़िक होता जा रहा है, कोई डिफरेंस इतना है नहीं। अगर आज पंजाबी गाना यहाँ चलता है तो पूरे वर्ल्ड में हिट होता है, राइट, मगर हिंदी गाना चलता तो पूरे वर्ल्ड में हिट होता है, तो म्यूज़िक भी ग्लोबल होता जा रहा है, फैशन की तरह, हर चीज़ की तरह, हर जगह सेम वैल्यू। हम लास्ट में चाहते हैं, कल ये मूवी रिलीज़ होने जा रही है बैंड बाजे, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे वो लोग थिएटर्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएं, इस मूवी को खूब सारा प्यार दें, खूब हंसें, तो हम चाहते हैं हम सबसे अपील कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिनको
हंसना है, खुश रहना है, और फिल्में इसीलिए बनाई जाती हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेन होने जाना है तो ये हमारी फिल्म देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि इसमें एक जेन्युइन इसमें एंटरटेनमेंट है। थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ रिनॉन्ड म्यूजिक डायरेक्टर और अब प्रोड्यूसर, जिनकी मूवी कल रिलीज होने जा रही है बैंड बाजे। और उन्होंने अपील किए सारे व्यूवर्स से कि कल इस मूवी को स्पेशली देखने जाइए और खूब सारा प्यार दीजिए अपना और खूब हंसिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।